परिंदों के पड़े जाने वाली अगर आपने एक तस्वीर का अमल कर लिया तो यकीनन सात दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे आपको ख़ुद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि मेरे घर के हालात बहुत बेहतर होते नजर आ रहे हैं अगर आपने परिंदों की पड़े जाने वाली इस तस्वीर पर अमल किया जिस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं तो यकीनन आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदलती नजर आएगी आपके हालात बदलते नज़र आएंगे आपका कारोबार जिसमें बंदिश लग गई थी वो खुलता नज़र आएगा आपका घर जिसमें बेबरकती के सबब आपकी ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई थी वो बेबरकती ख़त्म होगी और आपके घर में बरकत ही बरकत होगी आप जो कमाएंगे उसमें बरकत होगी और बेानतहा आपके मकान में पैसा आएगा अल्लाह तबारक व त आपके घर में दौलत के दरवाज़े खोल देगा और बेशुमार रोज़ी आपको अता फरमाएगा क्योंकि आपने देखा है परिंदे जो हैं वो कोई परिंदा कमाता नहीं है वो कोई परिंदा किसी के यहाँ मेहनत किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करता है कहीं से कोई रुपया पैसा कमा के नहीं लाता है वो सुबह में अपने घर से निकलता है और शाम में जब लौट के आता है तो भर के पेट लौट के आता है कोई भूखा नहीं रहता अल्लाह तबारक व तौर उनकी रोज़ी उनकी गिजा का इंतज़ाम कर दिया करता है क्योंकि अल्लाह तबारक व ताल की एक बहुत पसंदीदा तस्वीर है जो परिंदे पढ़ते रहते हैं परिंदों की ज़बान से जो आवाज़ निकलती है जाहिर में यह आवाज़ उनकी अपनी भाषा में होती है हमारे अपने समझ नहीं आती मगर वो यकीनन अल्लाह तबारक व ताल का जिक्र करते हैं अब आप देखना आप कभी हमारी इस बात का एहसास करना कि जब आप सुबह में नमाज़ फजर के लिए उठा करें तो उस वक्त में आप देखना आपके आसपास कोई दरख्त होगा कोई ऊंची जगह होगी तो वहाँ पर अक्सर सुबह के वक्त में परिंदे बैठकर अपनी आवाज़ में चहचहाया करते हैं अपनी प्यारी आवाज़ में बोलते हैं और लोगों को लगता है कि सुबह सुबह इन्हें भूख लगी है ये इसलिए बोल रहे हैं बल्कि नहीं नहीं वो सुबह सुबह उठते हैं जैसे सुबह में इंसान अपने दिन का आगाज़ नमाज फजर से करता है वैसे ही सुबह सुबह उठकर वो भी अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिन का आगाज़ करते हैं अक्सर बोलते हैं देखिए अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना ये भी वक्त नमाज फजर के बाद का है हमने अभी नमाज पढ़ी है और उसके बाद में हम आपके लिए अपने ऑफिस से ये जो है अमल दे रहे हैं तो हमारे यहाँ पर भी ऊपर जो है आपको चह चहाने की आवाज़ें कभी कभी आती होंगी क्योंकि हमारे ऊपर वाले हिस्से पर जो है कभी कभी परिंदे चहचहाया करते हैं परिंदों की आवाज़ बहुत प्यारी होती है और बहुत अच्छी भी लगती है दोस्तों इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की वो एक बहुत प्यारी सी तस्बीह को पढ़ा करते हैं वो कौन सी तस्वीर है और अगर इंसान पढ़े तो कब पढ़े और कितनी बार पढ़े ये हम आपको बताएंगे आइए चलते हैं हम आपको अमल बताएं उससे पहले अगर आप कादरी सफ़र सात सौ छियासी पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस पर रोज़ाना आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आया करते हैं दोस्तों परिंदों की तस्वीर अब मैं आपको बताने लगा हूँ परिंदों की तस्वीर है जो हर परिंदा पढ़ता है उसे कहते हैं सुबह अल्लाह आपने सुना भी होगा आपको याद भी है आप इसको पढ़ते भी हैं आपने बहुत मरतबा इसको पढ़ा होगा हमारी महफ़िलों में मजलिसों में इसका जिक्र होता है मगर आपने आज तक ये जाना नहीं होगा कि इस तस्वीर की ताकत क्या है आपने आज तक समझने की कोशिश नहीं होगी कि इसके अंदर पावर क्या है आपने कभी समझने की कोशिश की होती तो आपको इल्म होता कि सुबहान अल्लाह की बहुत बड़ी ताकत है आपने सुना अल्लाह तो बस आपने पढ़ दिया आपने कभी इसका कोई मकसद नहीं जाना कि यह है क्या इसलिए आज तक हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला यकीन जाने ये जो है पढ़ने में जितनी आसान है ना ताकत में इतनी ही ज़्यादा मुजरब है ये बहुत बड़ी ताकत है इसके अंदर सुबहानल्ला के माने आते हैं अल्लाह पाक है अल्लाह पाक है और आप जानते हैं जब आप किसी की पाकि बयान करें किसी की तारीफ बयान करें कोई कितना ही खड़ूस से खड़ूस दुनियावी एतवार से इंसान हो एक न एक दिन उसके दिल में रहम आ ही जाता है और वो तो मेरा रब है उसे आप पाक बार बार कहेंगे तो वो आपको बहुत सारे इनाम से नवाजेगा आप देखिए रोज़ाना नमाज फजर को पढ़ा करें और उसके बाद में कम से कम सो मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा करें सुबहान अल्लाबहान अल्लाह अल्लाह बाइक पर चल रहे हैं चलते हुए आप अल्लाह पढ़ें अपने बिस्तर पर लेटें लेटने से पहले आप वृद बना लें कि मैं सौ मरतबा पचास मरतबा दो सौ मरतबा पढ़ूंगा ज़्यादा से ज़्यादा विरद बना लें इसको पढ़ने का जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपको इसका ज़्यादा अजर मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें कम से कम रोज़ाना सौ मरतबा तो ज़रूर पढ़ें नमाज फजर के बाद और आपकी मर्जी ये सोने से पहले पढ़ लें आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं सफ़र में पढ़ते हुए निकल जाएँ ये कोई वैसी चीज़ भी नहीं है कि आप इसे भूलेंगे इन रोज़ के अंदर इसकी बेशुमार बरकतें आपको मिलेंगी अल्लाह करीम आपको ख़ूब ख़ूब इसकी बरकतें अता फरमाए।